काफ़ी बड़ा ग्रोथ हो रखा है इसका, गहरा वो है रीजन है, कोई नहीं समझ सकता। बाद में सारे 2 साल के बाद जो है सारी डिटेल्स होगी, तभी जाके पता चलेगा। तुम्हारा डाटा दे रखा है यूट्यूब चैनल वालों का, पूरा संक्षेप में ये दे रखा है मेरे पास। अच्छा, नहीं नहीं आप मुझे बताओ ना, चोरी किस चीज़ की हुई? मतलब चोरी जो है डॉलर से लेकर, पैसा से लेकर, गोल्ड से लेकर, डॉक्यूमेंट से लेकर, अच्छा सारी चीज़ों का नुकसान हो रखा है। सारा पहले PCC से क्लियरेंस हो रखी है सारी चीज़ें। अगर वो मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा भी डाटा पड़ा हुआ है, ये चैनल जो है सारा सब्सक्राइबर कराएगा इसको, यही हो सकता है ना। हाँ ठीक ठीक तो बस ये है, कोई सुंगर नहीं रख रहे हैं, कुछ बंदर नहीं रख रहे हैं, ठीक है, इसलिए लोग खेती बाड़ी छोड़ के चले गए। आ जाए फिर दूसरी बार सरकार राशन नहीं देते तो लोग खेती बाड़ी पर ध्यान देते। अच्छा, मतलब सबसे गलत हो गया जो सरकार राशन दे रही है, सरकार ने मतलब आदत खराब कर दी। इसीलिए अभी बेटे ने जो है खेती बाड़ी छोड़ दी ना राशन की वजह से, आज मिल रहा है उनको खाने के लिए, फ्री मिल रहा है खाने के लिए। हाँ हाँ सही बात। और कंट्रोल में चीनी आती थी, आते थे गेहूँ भी आते थे, चावल भी आते थे, पर लोग जो है खेती पर निर्भर रहते थे, निर्भर रहते थे। अब कोई निर्भर नहीं है। आपकी बहू बेटे कहाँ है? तुम्हारे लिए बहू लाई है, वो पहले तुम्हारे को कहे क्या तू कहाँ कर रहा नौकरी, प्लान क्यों कर रहा कि नौकरी की नहीं कर रहा? सही बात है कि नहीं? तो प्लान वाले के लिए तैयार है, घर वाले के लिए तैयार है? तैयार नहीं है। ऐसा क्यों अंकल जी, मतलब ऐसा क्यों है? आज बम्बे में जो है बाहर देश है उसके लिए भी तैयार नहीं है। बात फौज वाला है उसके लिए भी तैयार नहीं है। आज की लड़की, आज की लड़की, हाँ आ जा ले जा मेरे को साथ में ले जा, जा उसके बाद बर्तन धुलने के लिए भी टाइम नहीं है, पर मेरे को ले जा साथ में लेके चल। मेरे को बोलो। हेलो रोन, आप सब कैसे हो? तो आज फिर एक नया दिन और एक नई सुबह, और आज फिर एक नया गांव जिसका नाम है भड़गा गांव। तो भड़गा गांव भी काफ़ी खूबसूरत गांव है। आई फिलहाल हूँ मैं रोड पे खड़ा, ये देख रहे हो गांव की शुरुआत रोड से हो जाती है। ये ऊपर पे एक पूरा गांव बसा हुआ है, ऊपर साइड बसा हुआ है, और आधे परिवार इस साइड भी रहते हैं, रोड के अगल बगल भी रहते हैं। चलो फिर एक नए गांव को एक्सप्लोर करते हैं कि ये गाँव कैसा है। और ये है गांव का रास्ता, ऐसा कुछ रास्ता जाता है गांव की तरफ। रोड के ठीक ऊपर पे ही पानी का धारा है, वहां पर भी दिखाता हूँ आपको मैं। ये देख रहे हो ऐसा कुछ बनाया गया है पानी का धारा, ये देखो भाई। अब दिखाते हैं आपको गांव, और गांव की शुरुआत रोड़ी से हो जाती है। ये देख रहे हो ये यहाँ से रास्ता आता है गांव का, 20 मीटर के बाद भी गांव स्टार्ट हो जाता है, ऊपर पे ही गांव है। ऐसे कुछ गली बनी हुई है गांव में जाने के लिए। ओ भाई, ये है यहाँ के घर इस गांव के। ये देखो भाई, देखो सब जगह ताला लगा हुआ है, शायद से इन घरों का यूज होता नहीं है मेरे हिसाब से। अब ऊपर जाके देखते हैं भाई। ये देखो, ये ये गो कसम भाई, कैसा पर उन्होंने गोमा है, ये गोमा कैसा परवार उन्होंने? यहाँ पे तो बहुत सारे बड़ा नुकसान हो रखा, सारी फाइलें पड़ी हुई है इधर, सारा चोरी हो रखा है इधर सारा, कोई नहीं है यहाँ पे। तो समझना पड़ेगा इस चीज़ को, चोरी उर के मतलब। हाँ, यहाँ पहले का यहाँ पे जो है ना बड़ा ताले तोड़े गए, यहाँ पे तो अभी कोई है ही नहीं। हाँ, सारा नुकसान है, तो बाद में सारा जो है क्लेम भरना पड़ेगा। ऐसा ही है, इसका जो है रीज़न जो है बाहर तक जा रखा है सारा।
इस गांव में चोरी होती है? हाँ, चोरी हो रखी है। अच्छा, हो रखी है। किस चीज की? यहाँ पे लिख के दो, कौन कहाँ से आ रखे हो तुम लोग, कहाँ कौन से मीडिया वाले भेजे तुमको। और कुछ? और ये यहाँ की आर्थिक व्यवस्था पूरी खत्म। मैं आपको बता दूँ, मैं इस गांव में प्रवेश किया, मतलब इस गांव के अंदर आया एक्सप्लोर करने के लिए गांव कैसा है, और गांव की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। काफ़ी अच्छी बात है कि मेरा पूरा डिटेल दिया गया है यहां पर। यहां पर मैंने सब कुछ भर दिया है अपने बारे में, इस जगह के बारे में, कि मैं यहां पर क्यों आया हूं और इस जगह पर क्यों वीडियो बना रहा हूं। आपने गांव का नाम बता दिया मैंने यहां पर। अच्छा भैया, मुझे मैंने आपको अपनी डिटेल सारी दे दी कि मैं क्यों आया हूं। अब मुझे इस गांव के बारे में आर्थिक स्थिति बताओ कि इस गांव में ऐसा क्यों है या क्यों चोरी हुई है, क्या बताओ मुझे इस बारे में। बहुत पहले जो है जजमान लोग आ रखे हैं, जजमान लोगों ने सारा नुकसान कर रखा है और इस यहां के गांव से पूरा जो है आर्थिक व्यवस्था पूरी खत्म कर रखी है जजमान लोगों की। जजमान के यहां पे मिक्सिंग है टोटली, मिक्सिंग उनका डाटा दिया जाएगा। अगर कोई यहां पे पूछताछ करने के लिए आ जाएगा तो 2 साल के बाद पूरा डिटेल निकल जाएगा उसका। अच्छा, बात खत्म, यही है सर सारी बात। चोरी क्यों हुई इस जगह पे? चोरी क्या है, यहाँ पे काफी बड़ा ग्रोथ हो रखा है, इसका गहरा वो है, रीजन है, कोई नहीं समझ सकता। बाद में सारे 2 साल के बाद जो है सारी डिटेल्स होगी तभी जाके पता चलेगा। तुम्हारा डाटा दे रखा है यूट्यूब चैनल वालों का, पूरा संक्षेप में ये दे रखा है मेरे पास। अच्छा, नहीं नहीं, आप मुझे बताओ चोरी किस चीज की हुई, मतलब? चोरी जो है डॉलर से लेकर, पैसा से लेकर, गोल्ड से लेकर, डॉक्यूमेंट से लेकर, अच्छा, सारी चीजों का नुकसान हो रखा। सारा पहले PRC PCC से क्लियरेंस हो रखी है सारी चीज़ें। अगर वो मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा भी डाटा पड़ा हुआ है, ये चैनल जो है सारा सब्सक्राइबर कराएगा इसको, यही हो सकता है ना। हाँ ठीक ठीक, तो बस ये ठीक है भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ओके ठीक है। अच्छा, गाँव कितना बड़ा है आपका यहाँ पर, ऊपर तक कितना गाँव है? काफी बड़ा है, लॉन्ग गाँव है। कितना परिवार? कम से कम यहाँ पे जो है 200 अप 200। अच्छा, दो मतलब 200 परिवार रहते हैं। 200। ठीक 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 है, थैंक यू भैया, धन्यवाद। ये रखा हुआ है ना? ठीक है भैया, ठीक है ठीक है। तो देखो, अपनी डिटेल देने में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। मैं वीडियो बना रहा हूँ गांव में आके, और मेरा काम है कि मैं अपने गांव को एक्सप्लोर करूँ, मतलब पूरे उत्तराखंड को एक्सप्लोर करूँ और यहाँ की आर्थिक स्थिति के बारे में बताऊँ। तो यहाँ पर मुझे भैया ने बोला कि कुछ चोरी हुई है, इसलिए मैं आपका नाम नूम पता करूँगा कि आप क्यों आए उस जगह पर। मैंने अपना सारा दे दिया है, क्योंकि मैं अच्छे मकसद से आया हूँ गाँव के अंदर, कोई चोरी करने से नहीं आया हूँ, इसलिए अपना डिटेल देने में मुझे कोई वो नहीं लगा कि नहीं दे सकता मैं डिटेल। लगभग ये गांव, ये रोड से लगभग काफ़ी ऊपर बसा हुआ है गांव, और ज़्यादातर आपको यहां पर सब ज़्यादा ऐसे घर दिखाई देंगे और ये सब बंद। मतलब बोलते हैं ना कि आज ज़्यादा लोग यहां से पलायन कर चुके हैं, मतलब गांव छोड़ के चले गए हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने घर को भी देखिए, क्या सुनसान सा पड़ा होगा घर आपका, गाँव क्या सुनसान सा पड़ा हुआ। ये लगभग ये गाँव काफ़ी दूर तक फैला हुआ, देख रहे रास्ता जा ही रहा है, ऊपर ऊपर तक जा रहा है भाई। तो मैं पूरा गांव एक्सप्लोर करूंगा, और मैक्सिमम ये लगा लो कि आप रोड से लगभग 1 किलोमीटर की रेंज में ये पूरा गांव ऊपर तक बसा हुआ है। और ये है गांव की दुकान, ये लगभग गांव से रोड से लगभग काफ़ी ऊपर एक दुकान है, गांव के बिल्कुल बीच में ये दुकान बनी हुई है। अंदर क्या क्या है मैं भी देखता हूँ। अंदर अंडे रखे हुए हैं जिनको मैं निकाल नहीं सकता हूँ, गोल्डन रखा हुआ, कुरकुरे रखे हुए, टमाटर हैं नीचे पर रखे हुए, फ्रिज भी है जिनको मैं निकाल नहीं सकता हूँ। तो फिलहाल दुकान बंद है, अब जाते हैं हम और नीचे साइड गांव के। ये रास्ता भी रोड की तरफ जाता है। इस गांव में लगभग 3-4 रास्ते हैं जो रोड की तरफ जाते हैं, गांव से सीधा ऊपर से नीचे की तरफ। और यहाँ पर नए नए युवक बेरोजगारी की ओर बढ़ते हुए। भाई साहब कितना साल है तुम? 42। मैंने तो लगे तुम यार 20-25 साल बोला है। नहीं 42 यार। हैं 42 यार, तो सकल से 20-25 साल है ना। तेरे साल की मेरी लड़की है भाई, बड़ी वाली, तो मैं 18-19 साल का लग रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, अच्छा बढ़िया बात है। और भैया आप कितना साल है? 40 साल है। झूठ ना बोलो, सच बोलो यार। सच बताना है यार, तुम सच बताओ तो वही फिर झूठ, झूठ बोलो तो वो सच। हाँ भैया तुम आओ जरा, कुछ बोलो, तुम कुछ बोलोगे क्या? काम धाम चल ही रहा है। काम धाम तुम देख रहे हो? अभी बोल रहे थे कि गांव में चोरी हो रखी है, अभी मुझे यहाँ पर कोई लड़का मिला था। चोरी हो रखी? हाँ पता नहीं यार, थोड़ा मेंटल है क्या थोड़ा? अरे वो मेंटल है यार, आशी भाई ना। अच्छा क्या मतलब, क्या हो गया उनको? उनका थोड़ा दिमाग हिल रखा है बहुत पहले से।
मतलब क्या यार, तो सीधा उन्होंने पकड़ के मेरे को ये बोला कि अपने कागज मांगो, ने बोला कि डिटेल भरो, चोरी हुई हमारे गांव में। ना, चोरी चोरी कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुई ना, मतलब थोड़ा वो है माइंड से, थोड़ा वो माइंड से ऐसा क्यों, मतलब अकेले रहते क्यों? अकेले ही है, माँ बाप बीबी उनकी मायके है, माँ भी वही है अपनी लड़की के साथ, बस छोड़ के चले गए मैं सारे, छोड़ के चले गए भाई, अकेला ही हूँ। अच्छा कुछ बोलना चाहोगे अपने गांव के बारे में? गांव के बारे में क्या बोलना है भाई, देख ही रहे हैं तुम, बस बंदर यहाँ दुनिया भर के, खेत पाड़ी कुछ है नहीं, बेरोजगारी दुनिया भर के यही है बस। अच्छा बेरोजगारी के बारे में कुछ बताओ आप। बेरोजगारी क्या हो रही, कुछ युवा देख लो ये काम पे लगे, ये देखो और क्या है यार। अच्छा भाई साहब कुछ बोलना चाहोगे आप, तो यंग लौंडे हो क्या, आपका नाम? ये भाई अग्निवीर वाला था। अरे अग्निवीर, अरे भाई इधर, अरे भाई इधर तो अग्निवीर वाले तुम यार, भाई आओ यार थोड़ा यार तुम तो यहाँ पर मुझे, यहाँ पर क्या गांव है, कौन सा गांव नाम है? हाँ भड़गा गांव, यहाँ मुझे अग्निवीर मिले हैं भाई, एक ये अग्निवीर वाला है भाई, अग्निवीर वाले भाग रहे भाई मुझे देख के, तो यार तो मतलब ये गांव है अग्निवीर वाले, अग्निवीर वाले दुनिया भर के भाई जी, पर क्या करे, भर्ती कोई नहीं है, भर्ती कोई नहीं हुए यार। आज के डेट में इतनी बुरी स्थिति है ना, बुरी स्थिति है, क्या बोले यार। ये माता जी देखो पत्थर तोड़ कर अपना जीवन यापन कर रही हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं। दादाजी के पास चलते हैं, जरा नहीं दादाजी के पास जाओ। ये देखो हमारी दादाजी स्मार्ट, दादाजी पत्थर फोड़ते हुए, दादाजी आप तुम्हारे कोड़ बन हो है, आप कोड़ आप काम करना, अपनी काना लू हम करूं ता येन बोल दो, अब तो बहुत बुरी स्थिति हुई है। ना ना सुन रहा ए 25 साल है, तो हम भी दो हुई छे। अच्छा दुई बच्चा छे मेरे, यो लड़की यो लड़का, 5 साल में यो सुचो सो छूटी, 3 साल में लड़की छूटी, तब हम दिहाड़ी मजूरी कर, तब दिहाड़ी मजूरी कर अपर मिने ता फल छ बा मामा पोणा, अरे आप दियो तो भी अपर काम छ करना, ए भी रोड छ पोणा, जिम्मेदार भी करदा, तो बस वी दे मैं और क्या दे, मतलब बच्चे बुच्चे खुद पाले अपने हाथों से। हाँ पर दिहाड़ी मजूरी करी, पर मीना से पर बच्चा पाले, आज ले बने ले हमारे बच्चों पर खुशी बने। अच्छा मतलब बच्चे क्या करते हैं? बोल बच्चे। बच्चा मेरा देखे होना जो सोचे, मतलब मैं कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, पूरी कोशिश कर रहे हैं ना, पूरी कोशिश जितना हो सक गया, मीने त्या पाल चन बच्चा, सही बात है। हाँ पर चाची भी यहाँ पर लड़की भी मेरे, अब ये रिस्क इस रही, शादी होगी उनकी, दुई लड़का छे नहीं, यो लड़की जी। अच्छा ब्यो भी आप नहीं करे? ब्यो लड़की हो लड़को हो सब मेहनत अपन। अच्छा आपने किया खुद अपनी तरफ से? थोड़ा बहुत जब दू तुम तुम्हें पता तू भी गड़ो आया छे, परिवार में क्या हूं कौन हूं दूर छा छोटा सी जन्म मेन भी बच्चा पाली तेन तुम बच्चो दूर दड़ भी पालन परोसन करी, तो बस ये दे ठीक। कोई सुंगर नहीं रख रहे हैं, कुछ बंदर नहीं रख रहे हैं, ठीक है, इसलिए लोग खेती बाड़ी छोड़ के चले गए। अच्छा फिर दूसरी बात, सरकार राशन नहीं देते तो लोग खेती बाड़ी पे ध्यान देते। अच्छा मतलब सबसे गलत हो गया जो सरकार राशन दे रही है, सरकार ने मतलब आदत खराब कर दी, इसीलिए अभी की बहू बेटे ने जो है खेती बाड़ी छोड़ दी ना राशन की वजह से, मिल रहा है उनको खाने के लिए फ्री मिल रहा है खाने के लिए, हाँ सही बात। और कंट्रोल में चीनी आती थी, आते थे गेहूँ भी आते थे चावल भी आते थे, पर लोग जो है खेती पर निर्भर रहते थे, निर्भर रहते, अब कोई निर्भर नहीं है। आपकी बहू भी ठिका है, तुम्हारे लिए बहू लाई है, वो पहले तुम्हारे को कहे क्या तू कहाँ कर रहा नौकरी, प्लान हम करा कि नौकरी की नहीं कर रहा, सही बात है कि नहीं, तो प्लान वाले के लिए तैयार है, घर वाले के लिए तैयार है, तैयार नहीं है, ऐसा क्यों अंकल जी, मतलब ऐसा क्यों है? आज बम्बई में जो है बाहर देश है उसके लिए भी तैयार नहीं है, बात फौज वाला है उसके लिए भी तैयार नहीं है, आज की लड़की हाँ आ जा ले जा मेरे को साथ में ले जा, जा उसके बाद बर्तन धुलने के लिए भी टाइम नहीं है, पर मेरे को ले जा साथ में लेके चल मेरे को, हाँ बोलो, मतलब ऐसी स्थिति होगी अब ऐसी वो आ गया, हमारे टाइम भैया था कि 2 रुपये हमने दिहाड़ी की उसी में निर्भर थे, यह बात सही बात है ना।